बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द टॉपिक परसेंटेज चैप्टर नंबर 2। पिछले चैप्टर में आपने परसेंटेज की डेफिनेशन के बारे में जाना, आपने सीखा कि परसेंटेज क्या होता है। आज हम परसेंटेज के फवायद और इसके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। 50% मीन्स 50 out of 100, और इसको हम 1/2 या हाफ भी कह सकते हैं। 25% मीन्स 25 out of 100, और इसको हम क्वार्टर या 1/4 भी कह सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने काम 50% कर लिया है या 50% मेरा काम हो गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने आधा काम अपना मुकम्मल कर लिया है। तो परसेंटेज जो है वो किसी भी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने या आसान करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में जो भी खाने पीने की अशिया कैन, टिन, जार या पैकेट्स में आती हैं, उनके लेबल पर एक न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स का चार्ट दिया होता है, जिसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो परसेंटेज में लिखे होते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जूनियर क्लास का स्टूडेंट अपने स्कूल में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, और असेसमेंट में उसके हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में 75 out of 100, इंग्लिश में 40 out of 75, पार्क स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ में 30 out of 50। यानी किसी में आउट ऑफ 100 हैं, किसी में 75 हैं, किसी में 50 हैं। तो अगर हम इन तमाम मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें इसको इवेल्युएट करने में, इसको असेस करने में आसानी होगी कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा जो परसेंटेज है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल मामलों में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट इन शॉप्स, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड मैनी स्टेटिस्टिक्स इन द मीडिया आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। जैसे कि आपने अक्सर जूतों या कपड़ों की दुकानों के बाहर सेल के बोर्ड लगे देखे होंगे, अप टू 50% सेल एंड फ्लैट सेल्स। जाए इसके कि वो एक एक प्रोडक्ट का रेट मेंशन करे, तो परसेंटेज मेंशन करने से दुकानदार और कस्टमर दोनों के लिए आसानी हो जाती है। जब यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट भी यहाँ पे बताता चलूँ कि बाज सेल्स जो डिस्काउंट्स होते हैं वो अप टू परसेंटेज लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल अप टू 50%, और बाज जो हैं वहाँ पर फ्लैट सेल, फ्लैट 30% डिस्काउंट लिखा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि अप टू 50% का मतलब है कि मैक्सिमम आपको 50% डिस्काउंट होगा। यानी कि वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक आपको किसी में 30% दे देंगे, किसी में 40%, यानी कि मैक्सिमम जो है वो आपको आधी कीमत जो है वो डिस्काउंट कर सकते हैं। और फ्लैट 30% का मतलब ये होता है कि हर चीज़ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 50%, 40% या 30% जो है ये अमाउंट कितनी बनती है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो 50% का मतलब ये हुआ कि 50 out of 100। आप सिंपली उस ओरिजिनल प्राइस को 50 out of 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस होगी। है कि आप परसेंट और फीसद के बारे में बहुत हद तक जान चुके होंगे। इसके अलावा आप मज़ीद कोई सवाल या कोई भी मालूम हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ पर वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। खुदावंद आप सबको अपनी हिफ्ज़ोमान में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहदार।